हेलो गाइस, माय नेम इज अंश वर्मा, आई एम 8 इयर्स ओल्ड। इट इज माय सेकंड वीडियो ऑफ क्राफ्ट। इसके लिए आज हम लोग पेन स्टैंड बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को मटेरियल यूज करना है पेंटिंग ब्रश, सीजर, फेविकोल और ये शादी का कार्ड है और डॉम्स के पोस्टर कलर्स। आप वाटर कलर्स भी यूज कर सकते हैं और कुछ फ्लावर्स या फिर बटरफ्लाई और टिश्यू पेपर और डेकोरेशन वाला टेप और बॉटल। तो लेट्स गो, बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को बॉटल को यहाँ से काट लेना है, इसको यहाँ से काट लेना है ऐसे। अब इसके ऊपर हम लोगों को टिश्यू पेपर को स्टिक कर लेना है। तो टिश्यू पेपर को स्टिक करके इसके ऊपर कलर करना है। तो पहले इसको स्टिक करते हैं। तो हम लोगों को टिश्यू पेपर को बीच से ऐसे कट कर लेना है। ये आधा टिश्यू पेपर को लेना और फेविकोल को पूरी बॉटल पे ऐसे स्प्रेड कर लेना है, पॉइंट पॉइंट रख के। पहले पॉइंट पॉइंट पूरी बॉटल पे रख लेना है। अब इसको उंगली से पूरे में स्प्रेड कर लेना है, पूरे में फैला लेना है। फिर हम लोगों को पतले ब्रश से वाटर में डिप करके इसको पूरा फैला लेना। अब टिश्यू पेपर को ऐसे इस पे लगा देना। तो हम लोगों ने ऐसे पूरा ऐसे टिश्यू पेपर कर लिया है। टिश्यू पेपर को ऐसे फिर नीचे इसके ऐसे स्टिक कर लेंगे और वेस्ट टिश्यू पेपर को कट कर लेंगे। तो ये पूरा टेक्सचर आ गया है ऐसे। अब इसको हम लोग पेंट करेंगे ट्यूब कलर से, पोस्टर कलर से। और आप लोग इसको किसी भी कलर से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे येलो कलर कर रहा हूँ क्योंकि रेड कलर की बटरफ्लाई है। और ट्यूब कलर और पानी को मिक्स करके फिर हम लोग कलर करेंगे। तो ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है पेंट। अब इसको हम लोग बटरफ्लाई को यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। ये ऐसे स्टिक हो गए। अब डेकोरेशन टेप से हम लोग इसका बॉर्डर कवर कर देंगे। अब हम लोगों ने बॉर्डर कवर कर लिए। अब हम लोग डेकोरेशन टेप को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके यहाँ यहाँ पे स्टिक कर देंगे। ये देखिए हम लोग का पेन स्टैंड तैयार है अब। तो गाइस, हम लोगों का पेन स्टैंड बन चुका है। अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर कुछ आपको बनाने का आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वो भी मैं बनाऊंगा। बाय।